हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है हमेशा की तरह आज भी अच्छे होंगे। मैं हूँ शादाब और आप हैं एनजी किचन में। आज असल में ये है कि 3-4 दिन पहले बहुत शदीद किस्म की आंधी आई थी, मिट्टी धूल बहुत ज़्यादा थी। हालांकि मैंने ग्रिल वगैरह सब वॉश कर दी थी, ग्रिल तो कर दी थी साफ़ और जाली उसके ऊपर, लेकिन इस कदर उसमें डस्ट हो रही है तो मैंने कहा कि ये तो डस्टिंग कर रही हूँ, नहीं ये बारीक जाली है तो उसको मैं अब धोती हूँ। चले मैं अब जालियाँ सब कम जो खिड़कियों में लगी वो हटाती हूँ और फिर उसको धोती हूँ। हाँ तो जना, मैंने रूम में गई हूँ और सबकी खिड़कियों को जो बारीक बारीक जाली लगी हुई होती थी तो वो मैं हटा रही हूँ। हटाने के बाद ये देखिए, एक रूम की हटाई मैंने, इसको साइड पे रख देती हूँ, फिर दूसरी भी हटा दी हूँ वन बाय वन। अच्छा, मैं इसको ना ज़्यादा, वैसे तो नॉर्मल वे में मैं कपड़े से डस्टिंग नहीं करती, ब्रश लिया हुआ है तो ब्रश से ये बड़ी अच्छी तरह साफ़ हो जाती है, सॉफ्ट होता है, जाली टूटने का भी ख़तरा नहीं होता है और जो भी बारीक बारीक डस्ट होती है वो फ़ौरन निकल जाती है। तो अब हालांकि ये तो मेरे रूटीन में, जो भी 4-5 दिन पहले मैंने बताया था ना, काफ़ी डस्ट उड़ रही थी, आंधी समझ लो क्या था, बहरहाल तो बहुत ही बुरा लग रहा था। वो डस्टिंग भी कर रही थी लेकिन फिर भी वाइट वाइट अजीब सा लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आज फिर मैं इन सब जालियों को भी साफ़ कर दूँ। पर्दे तो मैंने वॉश कर दिए थे अभी और वो तो मैंने कर दिए हैं। अब फर्नीचर की पॉलिश रह गई है, इंशाल्लाह वो भी करूँगी। ये मैं आपके सब, ये लॉन्च है उसकी भी मैंने जाली निकाल दी। इस तरह ये कि कम से कम ये ना सोचो कि बहुत ज़्यादा अभी छोड़ो, रोज़ा है, रोज़े में बाद में कर लेंगे, घर साफ सुथरा अच्छा लगता है। अभी ये देखिए मैं इसको लेकर चली गई हूँ वहाँ पर कमरे में, इधर गैलरी में रख दी और गैलरी में ये सब लेकर वॉश कर दिए। अब बस ये कमरी रह गई है, ये भी वॉश कर दी और इसको भी वॉश कर रही हूँ। पानी प्रेशर से डालूंगी और कभी ज़्यादा वो होता है तो मैं हल्का सा इसमें वॉशिंग पाउडर डाल देती हूँ और फिर उससे प्रेशर से करो तो ऐसे नीट हो जाती है। लेकिन वॉशिंग पाउडर की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि मैंने भी कुछ देर पहले भी इसको साफ़ की थी। ये देखिए मेरे हाथ में ब्रश है ना, तो मैं ब्रश से साफ़ कर रही हूँ इससे, ताकि बारीक बारीक जाली जो मैं जो डस्ट वगैरह होगी वो निकल जाएगी। और पानी डाल रही हूँ प्रेशर से तो ये बहुत साफ़ एकदम हो जाएगी और इसको ड्राई करने की तो ज़रूरत ही नहीं होती। बस ये वॉश की है और उसके बाद मैं जिस रूम की है फिर वहाँ रख दूँगी और फिर वन बाय वन लगाती जाऊँगी। तो ये है कि वैसे भी वो बारीक तो होती है, इसमें फ़ैन भी ऑन है और ये ड्राई हो गई है। तो अभी बस ये देखिए मैंने प्रेशर से पानी डाला और ये साफ़ हो गई है। बस अब यह है कि ज़मीन पे पता है इतनी मिट्टी वैसे नहीं नज़र आ रहा था कि इतनी गंदी होगी जालियाँ, लेकिन ज़मीन पे देखा तो बारीक बारीक इतनी मिट्टी मिट्टी हो रही थी तो वो भी मैंने उसको अच्छी तरह वाइपर कर दी। ये देखें ब्रश से साफ़ कर दिया, मसला नहीं था। उस रमज़ान का भी आज जुम्मा है, काम भी है, तो अब ये है कि सारा दिन तो काम नहीं कर सकती ना, क्योंकि जुम्मे का भी एहतराम होता है, नमाज का भी टाइम हो जाता है, अफ्तारी का भी होता है, ये सब बहुत हो चुकी है। और इसके बाद सब ये कि ज़मीन पे मिट्टी वगैरह बारीक बारीक मिट्टी है, हालांकि यूँ नहीं मालूम हो रहा था कि इस कदर डस्ट होगी, लेकिन अब जब इसको मैंने वॉश की तो पता चला कितनी डस्ट हो रही थी। तो वो मैं सब अच्छी तरह इसको वॉश कर धो दूँगी फर्स्ट और उसके बाद वाइपर करके, और इतनी देर में मैंने जहाँ जहाँ जिस जिस कमरे की थी सब जगह जाली लगा दिए। ये काम जो कहते हैं ना, मैं तो कहती हूँ ख़त्म ही नहीं होते, सारा दिन काम है काम काम। चलो खैर, इंसान की ज़िंदगी भी अच्छी है, काम है मसरूफ़ है। तो बहरहाल अभी सर ये साफ़ कर दिया और मैं इसको वन बाय वन लगा दूँगी। ये साफ भी हो गया। अब ये मैं अपने रूम में है, पहले मैं अपने रूम में लगा लेती हूँ। ये देखिए ये हो गई, लग गई रूम में मेरी जाली। ठीक है, इससे ही कम से कम मच्छर है और लिजर्ड वगैरह नहीं आती, मच्छर से बच जाते हैं जाली लगी होती है। और अभी ये दूसरी भी जाली में लगा लेती हूँ, नेट जो लगी हुई पीछे गैलरी है, गैलरी में कपड़े वॉश किए हुए वो भी हटाने हैं अभी और बाद में हटाऊँगी नमाज के बाद ही। बस ये भी लग गई है सही, और लॉन्च की भी है वो भी लगा दी, और एक और दो रूम में वो भी लगा दी उसकी। और उसे फिक्स करनी होती है ना, क्या ये ना हो ना गिर जाओ खामा खा प्रेशर हवा से या किसी तरह वो जाली टूट जाए, तो लिहाजा इसको मैं अच्छे से इसकी फिट कर रही हूँ। और हाँ ये लग गई है, लग गई थी। हाँ तो जनाब, सारी मैंने तकरीबन जालियाँ जो लगी हुई थी वो सब मैंने वॉश कर दी हैं और ड्राई हो गई। कुछ थोड़ी थोड़ी गीली भी थी लेकिन मैंने लगा दी, अभी थोड़ा सी हवा चल रही है, खुद ही फ़ैन ऑन है तो खुद ही ड्राई हो जाएगी। तो बस अब यह है कि बेडशीट चेंज करती हूँ और फिर फ्राइडे भी फिर नमाज वगैरह का भी तैयारी करनी है। ठीक है,
हाँ तो जनाब, ये रूम में जो जालियाँ लगी हुई थी जहाँ पे मेरे तो वो मैंने सब वॉश कर दिए हैं और कुछ ड्राई कर दी हो गई थी। ड्राई ना भी हो तो मुझे परेशानी नहीं है क्योंकि हवा ठीक ठाक चल रही है, फ़ैन ऑन है तो वो ड्राई हो जाएगी। तो मैंने सब जालें लगा दी। अब चलते हैं बेडशीट चेंज करते हैं। और उसके बाद फ्राइडे है, मैंने छोले जो हैं चने बॉयल करने रख दिए हैं। और अभी यह है कि जब चने बॉयल हो जाएंगे तो दही बड़े के लिए मैंने दालें वगैरह भिगो दी हैं। माश और मूंग की दाल के दही बड़े बनेंगे और छोले भी कर दे हैं। और पकौड़े तो सीवत हाथों हाथ हो जाते हैं। और ये कि चले हैं बेडशीट चेंज करते हैं। हाँ तो बस ये बेडशीट भी चेंज हो रही है, बस बेडशीट चेंज हो जाएगी तो उसके बाद वही हम लोग तैयारी करेंगे। मैंने छोले वगैरह भी भिगो दिए, सब कुछ हो गया है। तो फिर ये है कि फिर अफ्तारी के वक्त हाजिर होंगे क्योंकि काम जैसे क्योंकि टाइम कम हो जाता है ना, मैंने आपको बताया था फ्राइडे को थोड़ा मसरूफ होता है। देखिए बस, और अब ये मेले कपड़ों का भी ढेर हो चुका है, इंशाल्लाह ताला कपड़े भी धुल जाएंगे। ये बेडशीट है ना, इसका कलर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, एकदम कूल यानी ठंडा, क्योंकि मौसम ज़रा गर्म है तो मैं उसी हिसाब से बेडशीट बिछाती हूँ। तो आज मेरा दिल चाह रहा था मैं ये वाली बिछाऊँ, एकदम ठंडक का एहसास हो रहा है। बस ये है कि बिछ गई तो थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। देखिए सफ़ेद चने हैं वो बॉयल हो रहे हैं और मैंने एक उसमें बॉल में मूँग की और माश की दाल जो भिगो दी है, शाम को इसकी दही बड़ी बनेंगे। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा चैनल।